नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है CIT Tech। आज हम लोग सभी ये देखने वाले कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है। जैसा कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, व्हाट इज होस्टिंग एंड व्हाट इज डोमेन, तो आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, फ्री डोमेन कैसे ले सकते हैं और अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पहले जानेंगे कि डोमेन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, उसके बाद हम आगे आगे की तरफ बढ़ेंगे कि हम अपनी वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं डोमेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं .com, .net, .org, ये सभी डोमेन हो गए, ठीक है। फेसबुक .com, अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर ढूंढना है, कोई भी चीज़, जैसे आप सर्च इंजन में जाते हैं गूगल .com, ये भी एक वेबसाइट हो गई, ठीक है। हम वहाँ पे टाइप करेंगे फेसबुक .com तो डायरेक्टली हमें सर्च करके फेसबुक पे भेज देगा, ठीक है। तो अगर इंटरनेट की दुनिया में आपको किसी भी चीज़ को सर्च करना है तो आपको डोमेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग अगर डे टू डे लाइफ में देखिए, अगर पर्टिकुलर कोई पोस्टमैन मुझे ढूंढना चाहता है तो वो पूछेगा मेरे एरिया में आके कि शुभम कहाँ रहता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम वहाँ सर्च इंजन पर जाते हैं तो हमें अगर abc.com ढूंढना है तो हम लोग पहले टाइप करेंगे abc.com, तभी गूगल सर्च इंजन हमें उस वेबसाइट तक पहुँचाएगा, राइट। तो बेसिकली .com, .in, .org, .net ये सभी पर्टिकुलर एक डोमेन हो गया। अगर हमें कोई भी एक वेबसाइट बनाना है इंटरनेट की दुनिया में, उसको अगर भेजना है, उसको सब लोग ढूंढ सके, तो हमें एक डोमेन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि फ्री डोमेन की, क्या हमें फ्री डोमेन्स मिल सकते हैं? यस, बिल्कुल हमें फ्री डोमेन मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो हमें फ्री में डोमेन प्रोवाइड करती है, जैसे कि .ab, .as, .nk, .tk, इस तरीके से बहुत सारे आपको डोमेन्स मिलते हैं। लेकिन आपको .net, .org, .com, .in ऐसे डोमेन्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर कस्टमाइज डोमेन होते हैं जो कि बड़ी वेबसाइट्स लेती है। अगर आप एक पर्टिकुलर कस्टमाइज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको एक .com वाला डोमेन लेना चाहिए या फिर .net वाला डोमेन लेना चाहिए, जिसके लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइडर, डोमेन प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो मेरा एक सलाह आपको यही रहेगा कि आप फ्री डोमेन्स के तरफ जाइए, ठीक है। मैं आपको एक अनदर टर्म बताता हूँ जिसका नाम है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा जहाँ स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, हमें सर्वर की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने एक वेबसाइट बनाया, मुझे एक सर्वर चाहिए। मैं हमेशा अपना वेबसाइट का डेटा मैं अपने ही कंप्यूटर में रखूंगा और हमेशा मैं अपना कंप्यूटर ऑन नहीं रख सकता, ठीक है। अगर मेरा कंप्यूटर ऑन नहीं रहेगा तो लोग मेरी वेबसाइट को सर्च नहीं कर पाएंगे, राइट। एक सर्वर, ऑनलाइन सर्वर हमें चाहिए, तो हमें होस्टिंग खरीदना पड़ता है किसी और कंपनी से। होस्टिंग बहुत सारी प्रोवाइडर, बहुत सारी कंपनीज है जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप होस्टिंग फ्री में कैसे ले सकते हैं और चार्जेबल होस्टिंग, जो ऐसी वेबसाइट आपको बताऊंगा कुछ जो कि आपको बहुत ही कम दामों में होस्टिंग प्रोवाइड करती है। बेसिकली होस्टिंग क्या होता है, जैसे कि अगर पोस्टमैन आया मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर, ठीक है, अब मेरे घर पे कोई सामान वगैरह नहीं रहेगा, लॉक लगा रहेगा तो पोस्टमैन वापस चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है बोलेगा। तो वैसे ही जो हमारा सर्वर होता है, जो हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, वो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे हमने एक प्लॉट लिया तो एक प्लॉट वाले ने हमको एक प्लॉट दिया, हम वहाँ पे एक घर बनाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, हम हमारा सारा सामान वहाँ लेके जाएंगे। तो वैसे ही हमारा वेबसाइट का सारा डेटा हम लोग सर्वर पे सेव करेंगे जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करेगा। वो हमें एक बल्क में डेटा, एक SSD प्रोवाइड करता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी, ठीक है। तो उसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो तकरीबन 10 GB, 100 GB, 1 TB, जिस हिसाब से हम अपना होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करते हैं वैसे ही वो हमें अपना डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है abc.com, मैंने पहले मुझे एक डोमेन खरीदना होगा, ठीक है, उसके बाद मुझे एक होस्टिंग प्रोवाइडर ढूंढना होगा कि मुझे वेबसाइट कितनी बड़ी बनाना है, ठीक है। अगर मेरा वेबसाइट का डेटा 1 GB में आ जाता है तो मैं 10 GB वाला होस्टिंग प्रोवाइडर नहीं लूंगा, मैं लूंगा 1 या 2 GB वाला होस्टिंग प्रोवाइडर, मेरा काम कम बजट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम होस्टिंग प्रोवाइडर बेसिकली करते क्या है, हमें एक सर्वर प्रोवाइड करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने जैसे पहले बताया हम लोग हमारे कंप्यूटर को भी होस्ट कंप्यूटर बना सकते हैं, राइट। डेफिनेटली एक वीडियो मैं इस पर जरूर बनाऊंगा कि आप कैसे ही होस्ट बना सकते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। तो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आप अपने कंप्यूटर को होस्ट बनाने के लिए आप उसको हमेशा ऑन नहीं रख सकते, ठीक है। अगर हमें हमारा कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए बेसिकली हमें हमारा कंप्यूटर हमेशा चालू रखना चाहिए, ऐसा पड़ेगा, ठीक है। एक ऑनलाइन सर्वर होता है जो हमारी वेबसाइट को होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं,
उनका सर्वर बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, जो कि हम लोग हमारे कंप्यूटर के घर के कंप्यूटर में हम वैसा नहीं कर सकते। अगर हम लोग मान लीजिए हमने हमारा कंप्यूटर चालू रख दिया, वेबसाइट एक्सेस हो रही है, अगर वेबसाइट पे क्राउड बढ़ेगा 100 लोगों से बढ़कर 1 लाख लोग अगर आ गए तो हमारा कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 4 GB मैक्सिमम 16 GB तक हम लोग रैम यूज करते हैं, हार्ड डिस्क हमारा मैक्सिमम 1 TB या 2 TB तक हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर बड़ी वेबसाइट को चला सके, राइट। इसीलिए हम लोग ना होस्टिंग खरीदना प्रेफरेबल करेंगे, लेकिन हम लोग हमारे घर पे हमारे कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर बनाना प्रेफरेबल नहीं करते, ठीक है। ये डिफरेंस होता है क्योंकि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उनके कंप्यूटर्स का बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन होता है। उनके कंप्यूटर्स बैंडविड्थ हमें इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, 100 GB तक बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। और उनके कंप्यूटर्स में जो रैम एक्सेस हमें मिलता है ना वो भी काफ़ी बेहतर मिलता है। अपलिंक स्पीड डाउनलिंक स्पीड उनकी कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हमें ना ऑनलाइन सर्वर्स खरीद लेनी चाहिए। जब भी हम लोग हमारी एक खुद की वेबसाइट बना रहे हैं होस्टिंग हमें खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे ये फ्री में होस्टिंग ले सकते हैं, अपना फ्री में डोमेन ले सकते हैं। और बिगिनर्स हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक बेल आइकॉन येलो कलर का, प्लीज उसको प्रेस कर दीजिएगा, आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।